हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो हो सकता है कि आपने नोटिस किया हो कि आपके पेट पर आपके प्राइवेट पार्ट से लेकर के पेट तक एक लाइन बन रही है। तो कई महिलाओं के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिरकार महिलाओं के अंदर प्राइवेट पार्ट से लेकर पेट तक की लाइन बनती क्यों है। इसके अलावा कई महिलाओं के पेट पर ये लाइन बनती है, कई लोगों के ये बहुत हल्की बनती है और कई लोगों की ये बहुत ज़्यादा डार्क बनती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ये भी मानना होता है कि अगर आपके पेट पर जो लाइन है वो गाढ़ी है तो उससे लड़का पैदा होता है, या फिर हल्की है तो उससे लड़की पैदा होती है। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पेट के ऊपर लाइन क्यों बनती है, अगर आपके पेट पर लाइन नहीं बन रही है तो क्या इससे कोई खतरे वाली बात है, या फिर क्या आप इसे देख कर पहचान सकती है कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार आपके पेट पर जो लाइन बनती है वो क्यों बनती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इनमें से एक बदलाव होता है मेलेनिन का बढ़ना या फिर घट जाना। अब ऐसे में जिन महिलाओं के शरीर के अंदर मेलेनिन नाम के केमिकल की मात्रा घट जाती है, उनके पेट पर ये नाभि की लाइन बहुत हल्की महसूस होती है या फिर कई बार तो दिखाई तक नहीं देती। वहीं अगर किसी महिला के पेट पर नाभि लाइन बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है, यानी कि वो दूर से ही दिखाई देने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदर मेलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान नाभि लाइन, जिसको कि लीनिया नाइग्रा भी बोलते हैं, वो बन जाती है। इसके अलावा आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा के लिए आपका एनवायरनमेंट भी काफ़ी जिम्मेदार होता है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपकी बॉडी में मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पेट पर जो लाइन बन रही है वो काफ़ी गाढ़ी बनती है। वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर ऐसे एरिया में रहती हैं जहाँ ठंड पड़ती है, तो आपकी बॉडी में मेलेनिन की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से आपके पेट पर जो लाइन बननी चाहिए वो या तो बहुत हल्की बनती है या फिर नहीं बनती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के लोगों की नाभि पर जो लाइन बनती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है। वहीं पर US ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों के पेट पर बनने वाली नाभि लाइन बहुत ज़्यादा हल्की या फिर ना के बराबर होती है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाभि लाइन किस वजह से बनती है, और ये बात कंफर्म है कि ये नाभि लाइन सभी की बनती है, बस कुछ लोगों को दिखाई देती है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देती। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पेट पर नाभि लाइन नहीं बन रही है तो क्या इसमें कोई चिंता की बात है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाभि लाइन हर महिला के पेट पर बनती है, जो कि प्राइवेट पार्ट से लेकर के आपके पेट की तरफ जाती है, लेकिन आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन आपको दिखाई देगी या फिर नहीं देगी। तो अगर आपको आपके पेट पर नाभि लाइन दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में मेलेनिन की मात्रा कम है। लेकिन इसमें चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेलेनिन के लेवल से आपके शरीर में आपकी प्रेगनेंसी पर या फिर आपके होने वाले बच्चे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा कम है तो आप ये मान सकती हैं कि आपके होने वाले बच्चे का कलर ज़्यादा फेयर होगा और आपका बच्चा सुंदर पैदा होने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी में ही मेलेनिन की मात्रा कम है तो इससे आपके बच्चे तक भी कम ही जाएगी। इसके अलावा आपके बच्चे पर या फिर आपकी प्रेगनेंसी पर कोई भी असर मेलेनिन का नहीं पड़ता। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर कि क्या नाभि की लाइन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके घर में होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए, हो सकता है कि आपने भी सुना हो कि अगर आपके पेट पर जो नाभि की लाइन बन रही है वो एकदम सीधी है और गाढ़ी है तो आपके घर में एक लड़का है। वहीं अगर आपके पेट पर बनने वाली नाभि की लाइन टेढ़ी है या फिर बहुत हल्की है तो आपके घर में एक लड़की है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेट पर बनने वाली नाभि लाइन सिर्फ मेलेनिन की मात्रा जिम्मेदार होती है उसके लिए, ना कि आपके बच्चे का जेंडर। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो जब मैं प्रेगनेंट थी उस वक्त मेरे पेट पर गाढ़ी लाइन बनी थी और बिल्कुल सीधी बनी थी, तो इस हिसाब से तो मेरे लड़का पैदा होना चाहिए था, लेकिन मुझे एक लड़की पैदा हुई और मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आप इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि जब आपके पास आपका बेबी आएगा
चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट पर लाइन क्यों बनती है, क्या इससे आपके घर में होने वाले बच्चे पर कोई असर पड़ता है या नहीं, या फिर आप इसे देखकर पहचान सकती हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।